हाँ चला सुनाए मम्मा स्टोरी सुनाए ना। अच्छा सुना। ना छोटी बच्ची होती है तो ना उसके ना बड़े लंबे बाल होते हैं। इतने इतने होते हैं जैसे रपुंजल के होते हैं। वो तो इतने 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 लंबे होते हैं। कई लोग छोटे बच्चों की बहुत लंबे बाल कर लेते हैं ना, जिससे नीचे भी उतर सके। हाँ वो तो एक स्टोरी में उन्होंने दिखाया था ना, लेकिन उस बच्चे के बड़े लंबे बाल होते हैं। हाँ। थाई तक होते हैं उसके बाल। हाँ। तो वो ना जो छोटी बच्ची है ना, हाँ। वो कहती है कि हाँ। मेरे बाल इतने प्यारे हैं। तो उसकी मामा उसको कहती हैं बेटा हाँ। आपके बाल जितने प्यारे हैं ना, आपको चाहिए कि आप अपने बालों को ना संभाल के रखें। हाँ। क्योंकि जितना आप बालों की केयर करेंगी ना, उतने ही आपके बाल जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी आएंगे, ज़्यादा वो प्यारे लगेंगे और डैमेज भी नहीं होंगे। हाँ डैमेज भी नहीं होंगे। तो आपको अपने बालों की केयर करनी चाहिए, आपको आइलिंग करनी चाहिए, अपने बालों को बांध के रखना चाहिए, तो आपके बाल अच्छे लगेंगे। कहती क्या मामा, और वो कहता आप मुझे यही कहती रहती हैं। जब मैं खुले बाल रखती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं वाओ कितने प्यारे बाल हैं, वाओ वाओ। सारे मामा मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा वो हैं। है ना, इधर आपको खारिश होती है? नहीं चलते हैं मामा। अच्छा ना, इधर तो आपके वो सिकड़ जब आवाज़ है ना। अच्छा तो उसकी मामा कहती हैं बेटा तो आप ना ऐसे ही करो कि आप ना अपने बालों की फिर भी केयर करो, क्योंकि अगर आप एक दिन केयर करोगी ना तो आपके बाल जो है ना वही केयर जो है आपकी आदत बन जाएगी। तो फिर आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे। तेल भी लगाया करो। और तेल भी लगाया करो। तो वो कहती है नहीं मामा, हर वक्त आप यही कहती रहती हैं, आप कभी कुछ और भी कह लिया करें, कभी कोई और भी बात कर लिया करें, हर वक्त ये कहती रहती हैं बाल बांध लो बाल बांध लो बाल बांध लो। ये क्या तरीका हुआ मामा, मुझे ना इस तरह कहा करें। उसकी मामा कहती हैं बेटा आपको समझ नहीं आ रही ना मेरी बात की, एक एक वक्त आएगा कि आपको मेरी बात की ना समझ आएगी। वो ना ऑयलिंग करवाती है जाना, तो ना अपनी मामा से कंघी करवाती है, हर वक्त बाल जो है ना खोल के बैठी रहती है हर वक्त। उसकी मामा कहती हैं बेटा आप मेरी बात सुने, आप बालों की ना केयर करें मेरी बेटी। लेकिन वो नहीं समझती, वो बड़ी होती जाती है, बालों को हर वक्त खोली रखती है। उसके बाल जो है ना लंबे तो होते हैं हाँ। लेकिन ना बाल जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं, बालों के टूटने को बोलते हैं हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं उसके बाल हाँ। तो फिर क्या होता है कि उसके बाल जब बहुत ज़्यादा टूटते हैं ना, तो बाल जब टूटते हैं तो फिर बाल कम हो जाते हैं। ये देखें अब इतने बाल हैं ना, तो जब टूटना शुरू होएंगे ना तो फिर इतने रह जाएंगे, ये देखो इतने रह जाएंगे थोड़े से ऐसे हाथ लगा के। हाँ वो बड़ी परेशान होती है, अब अपनी मामा को भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी मामा तो आपको पता है उसको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वो नसीहत करती हैं, एडवाइस करती हैं कि बेटा अपने बालों की, लेकिन वो नहीं करती, ना ऑयलिंग करवाती है और ना अपने बालों की सही तरीके से केयर करती है, हर वक्त खुले रखती है चाहे गर्मी हो। उसकी मामा की डेथ हो गई होती है। नहीं नहीं फिर उसकी ये होता है कि उसकी शादी हो जाती है, फिर शादी हो जाती है तो फिर उसके बेबीज़ हो जाते हैं। जब बेबीज़ हो जाते हैं ना तो वो और ज़्यादा बिजी हो जाती है, उसको टाइम नहीं मिलता अपने बालों को बांधने का, ऑयलिंग करने का। तो फिर ना क्या होता है कि उसके बाल इतने ज़्यादा जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं कि उसके बाल थोड़ी सी पोनी छोटी सी ऐसी छोटी सी पोनी रह जाती है, लंबे तो होते हैं लेकिन पोनी छोटी सी रह जाती है। इतना रोती है, एक दिन बैठ के कहती है अपने हस्बैंड को कि मेरे तो इतने लंबे बाल थे और इतने घने भी थे, तो पता नहीं क्या हुआ मेरे बालों को, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ। उसके बाबा उसके मियाँ कहते हैं कि ना हस्बैंड उसके कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने बालों की ना आपने केयर नहीं की। कहती है नहीं मैं बालों की केयर तो करती थी। वो उसके हस्बैंड कहते हैं कैसे केयर करती थी? कहती है हर वक्त मैं अपने बालों को शैम्पू करके रखती थी, कंडीशनर यूज़ करती थी, बाल खुले रखती थी, ऐसे रखती थी, इस तरह करती थी। तो वो उसके हस्बैंड कहते हैं मेरी प्यारी बेगम क्या आपको नहीं पता
कि जब पुराना वक्त होता था तो ख़वातीन जो है अपने बालों में ऑयलिंग लाजमी करती थी, बालों को बांध के रखती थी, जो ही बाल ड्राई हो जाते थे तो उनको बांध लेती थी ताकि बाल जो है ना वो खुले ना रहें। और वैसे भी गर्मियों में तो बाल जो हैं वो खुले अच्छे ही नहीं लगते, क्योंकि इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है बालों में, और जब स्वेटिंग होती है तो फिर पसीना भी बहुत ज़्यादा, फिर बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मेरी बेगम आपकी अम्मी ने नहीं कभी आपको ये बताया ये बातें? कहती है आगे से ना वो इतनी ज़्यादा ना ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। वो कहती है मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा नसीहत की थी कि बेटा अपने बाल बांधो, आइलिंग करो, केयर करो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और अब रिज़ल्ट ये हुआ कि ना अब मेरे बाल ना ये देख लें किस तरह से रह गए। मेरे बाल पहले इतने ज़्यादा हैवी थे, इतने ज़्यादा शाइनी थे, इतने प्यारे लगते थे मुझे, लेकिन अब मेरे बाल कुछ, मैं बच्चों की वजह से बिजी हो गई तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। तो उसके हस्बैंड कहते हैं मेरी प्यारी बेगम अभी भी टाइम नहीं गुजरा, आप अपने बालों की अभी भी केयर कर सकती हैं। वो कहती हैं अच्छा वो कैसे? करती हैं सेम जैसे आपकी मामा ने आपको समझाया था, आप अपने बालों की ऑयलिंग करें और ऑयलिंग इस तरह से करें कि आप बाथ लेने से आधा घंटा पहले सिर्फ आप बालों को ऑयल लगा लें और हल्का हल्का मसाज करें, और उसके बाद जनाब आप क्या करें, उसके बाद आप अपने बालों को वो कर लें, मसाज करने के बाद आप अपने बालों को बाथ ले लें, बाथ लेने के बाद बालों को खुला ना छोड़ें, हल्की सी पिन लगा लें, और उसके बाद जनाब आप अच्छा शैम्पू यूज़ करें, और शैम्पू भी अच्छे तरीके से करें, ये ना हो कि गंदा मंदा बाल जो है वो डस्ट से भरे हैं और ऑयल भी नहीं निकला सही तरीके से और बाल धुले भी नहीं हैं। तो यूँ नहीं आपने करना, तो आप अपने बालों को जो ही वो ड्राई हो जाएँ आप अपने बालों को बांधें, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पास टाइम नहीं निकलता, जो भी बाल डाए हो फ़ौरन आप अपने बाल बांधें। फिर वो फॉलो करती है और जाके अपनी मामा को ना सॉरी भी करती है कि अम्मी आप मुझे ना सही कहती थी, अब आइंदा से ना मैं अपने बाल जो है ना वो बांधा करूँगी, ठीक है, मैं अपने बाल भी खड़ा के नहीं बैठूँगी और मैं आइलिंग भी। हाँ जी, जब मैं अपनी नेल्स नहीं काटूँगी फिर क्या होगा? जब मैं अपने नेल्स नहीं काटूंगी फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इनके अंदर डस्ट चली जाएगी, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, मैलकुजल चली जाएगी। उन्हीं हाथों से आप खाओगी तो जम जाएंगे। ये देखो मम्मा कप केक में आपको कल भी कह रही थी सोने का टाइम में कहना मैं नेल्स काट दूँ। आपने मुझे कहा था बेबी, लेकिन मैंने पेंडिंग भी रखे थे ना, ये देखो पेंडिंग पे मैंने कहा था मैं अपने बेटे की ना मामा ये देखें कितने लंबे हुए हैं। मामा आप छोटे होते अपने नेल्स लंबे करती थी, जानी वाला को तो बड़े लंबे हैं। अच्छी बात नहीं है ना, मैंने आटा भी गूंदना होता है ना, और वो लंबे क्यों रखे हैं उन्होंने? जानी वाले ने लंबे क्यों रखे हैं? फैशन के लिए कई लोग रखते हैं ना, फैशन के लिए। मैं कई लोगों को देखती हूँ उनके इतने लंबे बाल होते हैं। बाल? बाल भी और नेल्स भी। अपने आप को साफ सुथरा रखे ना। मम्मा मेरी सोशल स्टडीज की कॉपी में भी ना, सोशल स्टडीज की, हाँ उसमें भी कहा था कट योर नेल्स। इसमें आपको नजर आ गया ना इतनी ज्यादा गंदे हैं। मामा जब आप छोटी होती थी आपकी मामा कहती थी कि नेल्स काटा करो। तो आप मैं नेल बाइटर हूँ, मैं नेल खुद ही बाइट कर लिया करती थी। मैं भी स्कूल में ना एक दिन ना मामा मैंने काटे, मेरे ना नेल से खून निकलना शुरू हो गया। नहीं ना किया करो ना, मुझे कह दिया करो। मैं नेल कट गई और खून में स्कूल में ना निकलना शुरू हो गया मामा।
फिर मेरी जो वाफिया दोस्त है ना वाफिया, उसने ना मुझे सनी क्लास लगाया था। मेरी बेस्ट दोस्त है ना वाफिया। कभी वाफिया आपकी बेस्ट दोस्त है, कभी ईमान है, सारे मेरी बेस्ट दोस्त हैं। मामा आपको पता है वाफिया जो थी ना अभी भी मुझे मिलती है, क्लास में भी नजर आती है। उसका तो सेक्शन चेंज हो गया था ना। हाँ, पर अरीशा मारियो, हम जब दरवाजा खुला होता है ना, मैं अरीशा मारियो को ना अपनी क्लासेस से देखती हूँ। अरीशा मारियो प्रमोट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हो गई है या दूसरे सेक्शन में? दूसरे सेक्शन में, वो ये तो नहीं मुझे पता कि किधर है, रेड में है, ब्लू में है। मुझे उसका वाफिया भी, अभी आपा को स्टोरी सुना रही थी, आपने वो स्टोरी सुनी है? गाड़ी वाली सुनाई मामा स्टोरी। हाँ छोड़ो, गाड़ी वाली अच्छा सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। एक ना गाड़ी होती है, ठीक है, उसका नाम 1-5 गाड़ी किसी ने गाड़ी, अच्छा सीधे होकर बैठो। 1-5 गाड़ी नहीं होती, बाइक होती है बेटी। जब आप गाड़ियाँ बनाओगे ना बड़े, छोड़ो ना सही नहीं कटिंग होएगी। देखे ऐसे जैसे चुड़ैल के ना हूं ना, चुड़ैल देखेगी ना तो वो देखेगी, चुड़ैल के ना हूं जो है ना वो चुड़ैल जैसे। और देखो उसके अंदर कितनी मैल कुचैल है, बस थोड़ी सी थोड़ी सी टाइम बेबी। ये तो बिल्कुल मेरे बेबी का ना चुड़ैल जैसा ना हूं ना। वो जो गाड़ी होती है ना उसका नाम होता है, ये तो मैंने आगे कार्ड नहीं दिए, नहीं अच्छा, उसका नाम ना होता है, एक गाड़ी का नाम होता है मेहरान। वो छोटी होती है, छोटी बच्ची गाड़ी नहीं होती जैसे, वैसे होती है जैसे वो है। मैं अभी दिखाती हूँ, मुझे नहीं अभी नजर आ, मैं नेल्स काट रही हूँ। वो ना इतनी चुई, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ना वो ना तेज नहीं भागती तो। हाँ वो लड़का कहता है कि मेरे बाबा मुझे ना आप एक ना प्रियस गाड़ी लेके दे, वो बहुत बड़ी तेज चलती है, वो तेज चलती है। उसके बाबा कहते हैं मेरे बेटे आप अभी इसके ऊपर ना अच्छी तरह से ड्राइविंग सीख लो, जब आप ड्राइविंग सीख लोगे तो फिर मैं आपको ना नई वाली ले दूंगा। कहता है नहीं बाबा मुझे ले, जैसे आप नहीं जिद करते अपने बाबा से। उसके बाबा कहते हैं अच्छा मैं आपको ले देता हूँ। उसके बाबा उसको ले देते हैं, तो एक दिन बारिश हो रही होती है, कहते हैं बाबा मैंने बाहर अपने दोस्त के पास जाना, मुझे गाड़ी की चाबी दें। उसके बाबा कहते हैं बेटा बारिश हो रही है, नई गाड़ी ना लेके जाओ, पुरानी छोटी वाली ले लो और आहिस्ता चलाना। कहते नहीं बाबा आप हर वक्त मुझे यही कहते रहते हैं, ये ना लेके जाना, वो मैंने आज नई गाड़ी लेके जानी है। और वो इतनी तेज रे चलाता है, उसकी गाड़ी जाके ना स्लिप होकर ठा उसके साथ एक ट्री के साथ ना टकरा जाती है, तो गाड़ी आगे से डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाबा को फोन आता है कि आपके बेटे की गाड़ी कहीं पे लग गई है, पुलिस अंकल से।